सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम एनिमेशन का सीजन 17 को एक्सप्लेन या डब करना, और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट वन है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको काफी मजा भी आने वाला है। तो बिना घड़ी का घोड़ा बनाए चले शुरू कर आज का पारू वीडियो। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि सोवियत यूनियन के मैजिस्टर हमारे नए वाले KV-44M के सामने आके उसे बोलते हैं कि मॉस्को नाम के एक जगह पर जर्मन्स ने अपना कब्जा बसाया हुआ है। और उसके बाद हमारा KV-44M जाता है जर्मन टैंक्स को ठिकाने लगाने। तो नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं KV-44 ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक जर्मन टैंक्स का गेम ओवर हो रहा है और इसे देखकर काफी मजा भी आ रहा है। अबे खच्चर, सारे के सारे मेरे से पंगा लेने आए थे, हाँ आप कहीं कभी नहीं रहे। अबे ओ सारे नालायक सभी टैंक्स, रोक उसको, वो गंजा कुछ ज्यादा ही चीख रहा है, मैजिस्टर है तो समझता क्या है खुद को। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि KV-44 के साथ जर्मन्स की फाइट ऐसे कंटिन्यू होती रहती है और इनकी फाइट बहुत देर तक चलती रहती है। लेकिन जर्मन्स भी कहाँ हार मानने वाले थे, वो तो चेंबर्स के अंदर ढुक के नहीं तो बहुत सारी जगह से KV-44 के ऊपर फायरिंग चलाने लगते हैं। अबे यार पता नहीं कौन से चक्की क्या हता खाता है, इसके कुछ हो ही नहीं रहा। तुम लोगों ने सोवियत के मॉस्को में कब्जा करने की कोशिश की है, अब तो इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अब तो मैं बस अकेला ही जिंदा हूँ। अबे कुछ टकटकी हुआ हमें ना। अब बस तुम कुछ ही बचे हुए हो। अबे भाई कोई बचा ले। अरे भगवान मेरे को बचा ले, बार एक बार मेरे को बचा ले, बचा ले, बचा ले। क्या उसने मेरे को नहीं देखा, फिर भी मैं मारूंगा उसको। सारे के सारे एक नंबर के खच्चर हो क्या, लगता है इसको दिखाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसको नहीं मानना चाहिए था। तो ऐसे ही हमारा 44 इन टैंक्स को फाड़ने लगता है और आखिर में कुछ गन के टुक ऊपर रखे हुए टैंक आके हमारे हीरो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका भी वही हाल होता है जो कि बाकी सबका हुआ। पर गाइस जर्मन पे उस तरफ से कुछ और ही हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जर्मन लीडर हार्विन मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है KV-44M को रोकने के लिए, और हो सके तो KV-44M को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी उसे मिलता है। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हार्विन के पास एक ग्रीन स्टोन है जिसे वो खुद को रिकवर कर सकता है, तो ए फाइट रोमांचक होगी गाइस। तो नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि KV-44 अपना पहला बार हार्विन में कर देता है और इसके जवाब में हार्विन भी अपना अटैक करता है। लगता है इस अर्ध दौड़ा और अर्ध वॉफिन के मिक्सचर को सबक दिखाना पड़ेगा। अबे ओए गन्स का कुतुब मीनार, मेरा नाम है हाइब्रिड मॉन्स्टर। हाँ वो अलग बात है कि पहले मेरा नाम वॉफिन ट्रैगर था, लेकिन अब तेरा मौत हूँ मैं। ए देख आग की बारिश। आग की क्या, लगता है बचपन में सर के बल गिरा था। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि इनकी फाइट ऐसे चल रही है, और मुझे पक्का पता है आप KV-44M को सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं भी कर रहा हूँ ब्रो। और इसने मारा एक गोता, जमीन के अंदर गोता मारा। हाँ पर तो मैं पानी में भी ना कूदूँ, इसकी तो कुछ अलग ही नशा है। आउच, पीछे से बार करता है कायर, पक्का बचपन में भैंसे का दूध पीता होगा। अबे पागल है, कोई भेड़ बकरी भैंसे का दुनिया नहीं है, ये है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। और हमारे आहा ऐसा ही होता है। तो चल मेरे जादू के पत्थर ठीक कर दे मुझे, वैसे एक कोई जादू वादू नहीं है, टेक्नोलॉजी है गाइस। तो दोस्तों अब KV-44 और हाइब्रिड मॉन्स्टर की फाइट चली रही थी, लेकिन उस तरफ से जर्मन में वहाँ का लीडर उसे किसी और मिशन में यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है, और उसके बाद हाइब्रिड यहाँ से KV-44 के बैटल छोड़ के चला जाता है। लेकिन गाइस अब सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अब KV-44 के साथ लड़ने कौन आएगा। तो वहाँ पर अब आने वाला है रामोंस, रामोंस मतलब राम और मॉन्स का फ्यूजन वाला फॉर्म। और यहाँ पर दूसरी तरफ से हाइब्रिड भी अपनी तबाही मचा रहा है, और उसे रोकने के लिए सोवियत यूनियन के मॉन्स्टर टैंक्स को रिपेयर किया जा रहा है। और इस सीरीज में आगे आपको इनकी फाइट भी देखने को मिलेगी, और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं KV-44M वर्सेस रामोंस आ लेजेंडरी फाइट। सो सब्सक्राइब करना ना भूले, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए एंड स्क्रीन में आए गए वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एंड बाय द वे, आप आते खुश रहे पसंद है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।